हेलो गाइस, केशव कहाँ से आ रहे हो? दूर से आ रहे हो? दूर क्यों गए थे? दिखाओ, इधर आओ, इधर आओ। दूर क्यों गए थे? हवा खाने गए थे। सो गाइस, आज का भी मौसम बहुत प्यारा है। देखो मौसम कितना अच्छा है, दिख रहा है। हम लोग आ रही हैं गेट पे। चलो देखो वहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि बारिश वगैरह होगी। केशव क्या कर रहे बेटा, आओ। वो चला गया केशव, देख रहे भारी बाहर। अच्छा हो रखा है मौसम। मैं तो शायद आप लोगों को आवाज भी सुना देती हूँ। क्या बाय बाय कहाँ जा रहे हो? वो सामने देख, कितना अच्छा लग रहा है केशव ना। वो सामने आप लोग को नहीं दिखाई देगा, सामने से कहाँ मेरी उंगली कहाँ जा रही है? इधर जा रही है, इधर। मैं जा रहा हूँ, बाय। ना कर केशव, आ जा। बोलो केशव बात नहीं मान रहा है, वो जा रहा है। केशव चप्पल मेरी पहनी, केशव चप्पल पहनना। हाँ चप्पल पहन बेटा, कुछ लग जाएगा पैर पे। हाँ पहनो। वो देखो कैसे हिल रहे पेड़ पौधे, बड़ा प्यारा मौसम हो गया। अच्छा मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो जगह बहुत सुंदर लग रही है। अगर मैं पास में जाके दिखाऊँ ना तो हल्के हल्के पहाड़ी दिख रही है। अब केशव जा रहा है, वो देखो। छत से कपड़े भी लेके आने हैं, कपड़े सुखाए ना, नहा कर सबके कपड़े सूख रहे हैं छत पे। लोग कितनी दूर चला गया केशव, चला गया केशव। क्या करे बाबू, आज कहाँ चला गया केशव? देखो मस्ती कर रहा है। कितनी हवा चल रही है। ये जो मैं दिखा रही थी ना, ये बाग है सामने। वो देखो केशव कहाँ गया, वो देख रहा हूँ। केशव दिखेगा भी नहीं आप लोग को, वो रहा केशव, छोटा सा दिख रहा है ना कितना। अभी मैं बाहर हूँ ना, मतलब दरवाजे के बाहर ही हूँ, तो इस वजह से मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। अंदर जाऊँगी तब खुल के बोलूँगी, अंदर जाऊँगी तब जाऊँगी खुल कर बोलूँगी, तो मैं ऐसे ही बोलूँगी। आ जाओ केशव। और यहाँ पर से भी आएंगे इनके पापा, इनके पापा अभी आएंगे, और केशव के पापा भी आएंगे, यहीं से आएंगे, क्योंकि वो गए हैं बाहर दूध लेने गए हैं, तो दूध लेकर आएंगे अभी यहीं से। वो देखो किसी की चेयर पे जाके बैठ गया केशव, आ जाओ केशव। तो ये हमारा घर है, ये हमारा ससुराल है। आ जाओ बोलो, ये पापा आ रहे हैं, बेटा उनके पापा आ रहे हैं। फोन पे बात करते आ रहे हैं, मस्त फोन पे बात कर रहे हैं। ठीक है चलो अभी चलते आ गए हैं ना। अच्छा मौसम था, अब अंदर आए हम लोग। मैं किचन में, पता है मैं किचन में थी, क्या हुआ? मैं किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और हस्बैंड ने फोन करके मुझे बताया कि बाहर का मौसम देखो बहुत प्यारा है और कपड़े वगैरह सूख रहे हैं, तो उन्हें देख लो। और यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा कर गई थी
और इसमें पानी है और मैं बनाऊंगी ये वाई वाई। तो ये वाई वाई बनाने जा रही थी सिंपली। और चार और हाँ क्या है किंडर जॉय? मैं देखती हूँ अभी पापा के साथ गई थी ना, मैं देख रही हूँ इधर लाओ। अभी पापा के साथ गई थी, एक मिनट एक्सक्यूज मी, अभी पापा के साथ गई थी ना तो किंडर जॉय लेकर आई। ये लो आपका दो है ठीक है, और साथ में अरे पापा ने तो बहुत ढेर सारा सामान लिया है बेटा। छोटा वाला नहीं है, मैं बड़ा वाला दूँ ना। अच्छा अच्छा छोटा वाला नहीं है, बड़ा वाला है, ये दूध है। मैं तो बड़ा वाला है, केवल छोटा। अच्छा ये वाला है क्या? दोनों सेम बाबू, सेम है, छोटा बड़ा कुछ नहीं, सेम ही सेम है। दो इनका है, दो उनका। पापा ने नाम बिस्किट बहुत ज्यादा लिया। अच्छा ये क्या चीज है देखो, ये ठीक है, ये पता नहीं क्या चीज है, देखो जरा पता नहीं क्या, मुझे नहीं मालूम। हाँ नहीं उसके अंदर ही होता उसका स्पून। और ये है मैं बनने वाली चाव चाव। क्या चिल्ला रहे हो? बहुत चिल्लाते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा आपस में झगड़ते हैं। तो अभी चाय चढ़ाऊंगी, दूध लेके आ गए, चाय चढ़ाएंगे। चौचाऊ बोल रही, सॉरी मतलब ज्यादातर हम लोग चौचाऊ ही खाते हैं ना, तो इसलिए मुझे चौचाऊ निकल गया मुझसे। वाई वाई तो ये बनाएंगे हम, वाई वाई और चाय बनाएंगे। तो यही हमारा ब्रेकफास्ट है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद ठीक है। बाहर का मौसम कितना प्यारा हो रहा था ना, अंदर आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन अंदर आके अपने काम भी तो करने, बाहर थोड़ा बैठे रहना है। और ऐसा मन हो रहा है कि आज कहीं घूमने चले जाएं। देखते हैं पतिदेव जी से बोलती हूँ, चलो चलते हैं कहीं। अच्छा हमारे घर से नैनीताल बहुत पास है, तो देखती हूँ नैनीताल की। हस्बैंड ने मुझे कहा था कि नैनीताल चलते हैं, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं नैनीताल नहीं चलते, क्योंकि अभी चलो बाद में बताऊंगी सारी बातें, अभी बहुत टाइम हो रहा है, मेरा पानी बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाएगा, बाद में बात करते हैं ठीक है। सो गाइज आज का मौसम बहुत प्यारा था जैसे आप लोगों ने देखा, तो हमने सोचा चलो थोड़ा बाहर तक घूम के आते हैं। और आज वैसे मार्केट लगी हुई है थर्सडे की, जैसे कि मैंने आप लोग को अपने व्लॉग में पहले भी शेयर कराया है ना थर्सडे बाज़ार, तो हम वहीं जा रहे हैं थर्सडे बाज़ार। मैंने कहा चलो थोड़ा घूम के आते हैं और कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे, वैसे तो हम सब्जी लेकर आएंगे ही, और जैसे कुछ और एक्स्ट्रा में अच्छा लगा तो ले लेंगे। और पानी पूरी खाएंगे और भजियां खाएंगे, भजियां बहुत टेस्टी लगती हैं, तो ये है। और जलेबी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम लेकर आएंगे और बच्चों को साथ ही लेके जा रहे हैं। और हमको यहाँ पे ऑटो मिलेगी ना, तो ऑटो में बैठ के चले जाएंगे, अगर ऑटो नहीं मिली तो फिर हम पैदल ही जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास है और पैदल हम लोग जा सकते हैं ठीक है। लेकिन बच्चों के चक्कर में हम सोच रहे थे चलो ऑटो कर लेते हैं, तो यहाँ हमको ऑटो नहीं मिली, क्योंकि ना आज थर्सडे बाज़ार है ना, तो सारी ऑटो वहीं रहती हैं बाज़ार में ही। तो चलो हम लोग भी पैदल चलते हैं। और आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक छापना गाइज, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बेल आइकन के साथ। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव।